हेलो बच्चों, बेटा नेक्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे आज 22 मार्क्स लाती, वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर फॉइल एट इट्स सेंटर। ठीक है, और ये सर्कुलर फॉइल कैसी है? करंट कैरिंग हो रही है। कैसी है बेटा? करंट ओके। तो हमें सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करना है उसके सेंटर पे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एक सर्कुलर कॉइल ले लेंगे। तो ये है मेरी सर्कुलर कॉइल, ठीक है। अब इसमें हमने एंटी क्लॉकवाइज ये करंट ले लिया, ये करंट आई, आई करंट हो गया इसमें। अब इसके सेंटर पे डिस्कस करना है, तो सेंटर वो ले लिया है, और आप इसको कहीं और दिखा लीजिए, यहाँ पर दिखा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका हमने रेडियस ले लिया, ठीक है। अब यहाँ मैं छोटा सा करंट एलिमेंट मान लूंगी आई डी, तो वो ऐसे होगा, बोलो बेटा, टेंजेंशियली ऐसे, आइडियल, ओके। अब कोई दिक्कत नहीं है, जब भी, क्योंकि आपको 22 वर्ष ला के एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं आप, तो बाय फर्स्ट लॉ जो है वो स्मॉल करंट एलिमेंट पे अप्लाई होता है, और फिर टोटल के लिए आप उसको इंटीग्रेट करते हैं, ओके बच्चों। तो आइडियल हमने यहाँ मान लिया, आइडियल से आर दूरी पर वो पॉइंट है जहां हमें फाइंड आउट करना है। तो बताइए क्या मैं अप्लाई कर दूं अकॉर्डिंग टू बाय फर्स्ट लॉ, क्या हम लिख सकते हैं स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब यहाँ ध्यान से देखिए, आइडियल और इस आर में एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। कितना है बेटा? 90 डिग्री का। तो क्या डी बी हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 आपका 1 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो आप इंटीग्रेट कीजिए, तो बेटा b इक्वल टू ये dp का इंटीग्रेशन b आया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन किया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर, ठीक है। तो जो कांस्टेंट है उनको हमने बाहर दिया बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को बाहर कर दिया, आई बाई आर स्क्वायर को बाहर कर दिया, और डीएल का इंटीग्रेशन करता है। डीएल क्या है? इस सर्कुलर कॉइल का छोटा सा पार्ट है, तो पूरा क्या होगा इसका? 2 पाई आर, ठीक है। तो बी इक्वल टू आ गया आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, एक आर से आ गया बेटा। तो आपका रिजल्ट आता है b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और यहाँ से आया आपका i बाई r इंटू 2 पाई, ठीक है। चाहे तो आप इस फॉर्मेट में इसको याद रख ले, या फिर इसी का दूसरी तरह से आप लिख सकते हैं, इसको कैंसिल करेंगे तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2, देखो ये पाई से पाई गया, 2 पे कैंसिल हो गया i बाई r, और आर कॉइल का क्या है? रेडियस है, ठीक है बेटा। तो ये रिजल्ट आ जाता है आपका सर्कुलर कॉइल का, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है? ये इतना है। इसको आसान तरीका क्या है याद करने का? वो ये है बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक आप डिस्कस करोगे उसमें वही कंक्लूजन निकल के आएगा जो मैं अभी बताने जा रही हूँ। तो यहाँ बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो हमारा हर जगह आना ही है, के को रिप्लेस करके, ठीक है। आई बाई ए यानी करंट उस लूप में कितना है, उस लूप का रेडियस क्या है? अब देखिए 2 पाई, इस पूरे लूप ने सेंटर पे एंगल कितना बनाया? 2 पाई का बनाया। कितना बनाया? 2 पाई। तो यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आ गया? 2 पाई। तो आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये तो था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट इट्स सेंटर। अब हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क एट इट्स सेंटर, ठीक है। तो देखिए बेटा उसको, ये मैं मिटा देती हूँ। समर पूछ रहा अभी क्यों मिटा रहे हो, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक करेंगे बेटा,
देखिए बच्चों, यू टू एंड आर एट इट्स सेंटर। चलिए बच्चों देखिए, आप सबसे पहले आपको अपनी एक आर्क लेनी होगी, करंट कैरिंग आर्क, ये आपकी आर्क होगी, ठीक है। तो ये हो गया उसका करंट और ये आर्क ए भी है। अभी इस आर्क का कोई ना कोई सेंटर भी है तो हम उसका सेंटर दिखा लेते हैं। ये ओ हो गया हमारा सेंटर और सेंटर पे आपने एंगल बनाया अल्फा। तो अल्फा क्या है यार? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर, ठीक है। अब देखिए बेटा, फिर से वही काम करना है आपको, बाय फोर्स ला अप्लाई करना है यहाँ। तो हम अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू बाय फोर्स ला, बीबी स्मॉल करंट एलिमेंट, सॉरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर का रेडियस आर है और आर की जो लेंथ है एबी, जो लेंथ है आर की वो एल है, ठीक है। और यहाँ पर कहीं भी करंट एलिमेंट लेंगे आईडीएल, तो ये आईडीएल होगा। तो ये आर के साथ, सॉरी रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाया है बेटा, 90 डिग्री। तो फिर से आप वही अप्लाई करेंगे इक्वेशन में, तो डी भी हमारा आएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटू आईडीएल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और साइन 91 हो गया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो b इक्वल टू आ गया म्यू नॉट अपॉन फोर पाई बाहर आई बाई आर स्क्वायर बाहर बच्चों और dl का इंटीग्रेशन। अब dl का जो इंटीग्रेशन है वो इस ab आर यानी l लेंथ का छोटा सा टुकड़ा है, तो इंटीग्रेट कर देंगे यानी कंप्लीट आएगा, ठीक है। तो b इक्वल टू हो गया म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटू एल। अब इस एल को देखिए अच्छे से, बेसिक फॉर्मूला है बिल्कुल, एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, आर अपॉन रेडियस। तो एंगल कितना है अल्फा, आर कितनी है एल, रेडियस कितनी है आर, तो एल हो गया आर इंटू अल्फा। बोलो बेटा, तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, बी इक्वल टू हो गया म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटू अल्फा आर, ठीक है। एक आर से आर कट गया तो रिजल्ट क्या आया देखो, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई बाई आर इंटू अल्फा। ध्यान से देखो, जो मैंने आपको कहा था पहले वाले टॉपिक में, पूरी सर्कुलर कॉइल की वजह से 2π आया था, 2π क्या था, उस पूरी कॉइल का सेंटर पे कितना एंगल बना, यही था बेटा। तो यहाँ पर इस आर का कितना एंगल बना है अल्फा, तो वही तो आया है। तो आपको याद क्या रखना है, दिस कर्व इनटू में एंगल सस्टेंडेड बाय द आर, ठीक है। तो ये टॉपिक है, इस पर बेस हमारे बहुत न्यूमेरिकल आने वाले हैं, समझ लो नहीं। तो बेटा अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसके ऊपर कैसे न्यूमेरिकल करते हैं, ओके। न्यूमेरिकल कर लिया हम, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसमें आपका स्ट्रेट कंडक्टर का कॉन्सेप्ट भी आएगा और सर्कुलर का भी। तो देखिए ये स्ट्रेट कंडक्टर है, फिर ये किसी सर्कुलर कॉइल से ऐसे आपका सेंटर पे ऐसे मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से ये यहाँ पर ये एंगल बना रहा है यहाँ 90, ठीक है। इस फॉर्मूले में एक चीज ध्यान ये रखिए बेटा, आपको म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई बाई आर रेडियस है और यहाँ पे एंगल आया था, एंगल सबटेंडेड बाय द आर, तो उस एंगल को पुट करना है आपको इन रेडियन, ये आपको ध्यान रखना, एंगल को डिग्री में पुट नहीं करना, रेडियन में पुट करना है, ठीक है। तो वो देखिए यहाँ से एक करंट आई गया, फिर वो इसमें घूम गया और यहाँ से आ गया, ठीक है। अब हमें बताना है ओ पॉइंट पर बी नेट फाइंड आउट करना है, बी नेट एट ओ पॉइंट, थोड़ी देर रुको फिर चलेंगे, ठीक है।
ठीक है बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताइए, इस वाले कंडक्टर की वजह से ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड और इस वाले कंडक्टर की वजह से। अब इस पूरे फिगर को तीन कंडक्टर में तोड़ दो बेटा, दो स्ट्रेट कंडक्टर है और एक सर्कुलर आर्क, ठीक है। अब स्ट्रेट कंडक्टर के लिए पॉइंट इसी कंडक्टर पे आ गया, इस केस में भी और इस केस में भी। तो मैंने कहा यहां इसकी वजह से बी जीरो आएगा और इस कंडक्टर की वजह से बी जीरो, इन दोनों की वजह से जीरो है, ठीक है। समझ में आई बात, क्लियर है। अब बच गई है आर्क, किस आर्क की वजह से आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे आएगा, तो वो देखिए, इस आर्क की वजह से बी म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, रेडियस इसकी ए मान लीजिए बच्चे, ए दे रखी है, गिवन ऑप्शन का चाहे ए है डिवाइडेड बाई ए और एंगल सबटेंडेड। अब यहाँ कुछ बच्चे इस 90 को पाई बाई टू रेडियल में पाई बाई टू फुट कर देंगे क्योंकि गिवन ये है, बट जो बच्चे अच्छे से समझ रहे हैं वो ध्यान देंगे कि हमें एंगल फॉर्म्ड बाय द आर्क फुट करना है, यानी ये वाला एंगल फुट करना है और ये एंगल क्या होगा 2 पाई माइनस पाई बाई टू, पूरा होता है 2 पाई का और उसमें से क्या निकाल देंगे पाई बाई टू, ये कितना आ गया 3 पाई बाई टू। बोलो बेटा, तो यहाँ हमें फुट करना है 3 पाई बाई टू, तो बच्चों ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगले न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है, कि इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी। ये जो आपका राइट हैंड रूल है वही यहाँ आर्क में यानी कोइल में कैसे लगेगा, ठीक है बेटा। तो आप इसको अच्छे से कीजिए दोनों टॉपिक को और इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है वो कीजिए, ओके।